नमस्कार आज हम लोग आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओश्नोग्राफी पेश करने जा रहे हैं काफी लोगों की कमेंट्स में सेक्शन में उनकी डिमांड थी कि क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओश्नोग्राफी कवर की जाए तो मैं और पवन फिर से हाजिर है आपके सामने क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओश्नोग्राफी पूरा पूरा ब्रीफ अच्छे से डिस्कस करा जाएगा चलो पवन स्टार्ट करते हैं औश्नोग्राफी नमस्कार नमस्कार तो कैसे हैं आदित्य आप तो क्लाइमेटोलॉजी के बाद जो है ओशनोग्राफी के लिए बोला तो ओशनोग्राफी जो है एक और पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का जैसा हम जानते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में डिवाइडेड है और ह्यूमन ज्योग्राफी है बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी और उसी का इंडियन पार्ट तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो मोटा मोटी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है वैसे कई हिस्से हैं बट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एक जियो है क्लाइमेटोलॉजी है एक ओशनोग्राफी अच्छा जियो में जो है अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन की संख्या इतनी नहीं होती है मतलब कंपेटिवली कम, कम होती है बट क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए भी ना सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो है एनवायरमेंट सेक्शन को बहुत इम्पेक्ट करते हैं आपके इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट सेक्शन के लिए अच्छा जियोमार्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जियो में कुछ कुछ चीजें हैं जैसे जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी वगैरह है ये ज्यादा उसी के इर्द गिर्द घूमता है तो बट बत... उसमें कुछ थ्योरीज रॉक्स और वो सब देखते हैं हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं क्लाइमेटोलॉजी ओशन जो है वो हाँ एनवायरमेंट के परिवह में भी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें अगर ओशनोग्राफी क्या है ओशनोग्राफी का मतलब क्या है अच्छा क्लाइमेटोलॉजी का मतलब था कि क्लाइमेट की स्टडी करना जो एनवायरमेंट का है हमारा ओशनोग्राफी का मतलब जो ओशन में मूवमेंट होती है ना या और उसको क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है उसको देखना ओशन से रिलेटेड चीजें वो सब ओशनोग्राफी में आता है तो ओशनोग्राफी में पहली चीज क्या है प्रोफाइल है

डायवर्जेंट बाउंड्री होती है, वहाँ पे जो है लावा निकल के वो मिड ओशियनिक मतलब समुद्र के अंदर ही एक जो है क्या क्या होता है माउंटेनियस रिजीज हो गया एक्सटेंसिव फ्लैट सर्फेस भी होते हैं नैरो स्टीप साइड डिप्रेशन हिल्स सब कुछ होता है इसके अंदर जैसे दीस लैंड फॉर्म्स हैव बीन शेफ्ड बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक एंडोजेनिक का मतलब वो फोर्सेस जो अर्थ के अंडर में काम कर रही हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब अर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं जैसे एयर वाटर ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं और ग्रेविटी भी तो मैक्रो लेवल पर जो ओशियन का फ्लोर है मतलब जो बड़े स्तर पे जो है माइक्रो लेवल पे तो बहुत

बाइसल प्लेन और यहाँ पे जो है ये है आपका फिर फिर सेम चीज है फिर उस साइड भी कंटिन्यू ये ये चीज ठीक है अब इसका आ, मतलब क्या है ये देखिए जरा ये जी पानी के अंदर ढकी हुई है यहाँ तक अब अगर ध्यान से हम देखें इस चीज को तो जो ये वाला पार्ट है दिस पार्ट ये जो पार्ट है इस, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब वो पार्ट जो इतना ज्यादा गहरा नहीं है ठीक है बट पानी से ढका हुआ है ठीक है और जो मेजर आपका जो भी जीव जंतु वगैरह जो पाए जाते हैं जैसे जो

तो नीचे अच्छा, नदियां जो करती है शेल्फ के आसपास सड़कते सड़कते सरखते इस वाले पोजिशन पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो यहाँ का जो गड्ढा है वो फिल हो गया जो है वो बढ़ने लगता है तो उसी को कॉन्टिनेंटल राइज बोल दिया जाता है जैसे हम इस साइड डायग्राम में जो देख पा रहे हैं जो नोट्स में दिख रहा है तो उसे कॉन्टिनेंटल राइस बोल दिया जाता है और यह बाइसल प्लेन मतलब कुछ प्लेन जैसा होता है यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेज होते हैं जो मतलब माउंटेन्स होते हैं अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं ये कुछ होते हैं तो अब ये क्या चीजें हैं सबकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल में अगर देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिस वाला ये वाला एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये

ठीक है लेकिन उसकी किस्मत खराब इसलिए है क्योंकि वो ज्यादातर आर्कटिक के पास में है तो वो बर्फ से ढका रहता है तो इसलिए जो है रशिया ज्यादा खुश है क्लाइमेट चेंज से कि बर्फ पिघलेगी तो वहां का रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर पाएगा तो वो इम्पोर्टेंट है ठीक है विथ्स वेरिएबल है और कुछ जो होते हैं प्लेट वहाँ पे विथ बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो टाइप की होती है जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है ना उसको अगर देखें तो वहीं पर पहाड़ आ जाते हैं एंडीज के माउंटेन आते हैं और वहाँ पे दो प्लेट्स की टक्कर हो रही है वहाँ पे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहाँ पे जीरो ही मिलेगा वहां पे जीरो शेल्फ है वहाँ नहीं है तो विथ जो है वो वेरिएबल होती है ठीक है ये इम्पोर्टेंट है और दिस एरिया अच्छा, हाँ. है तो डीप ओशन में नहीं जा पाएगा तो जो प्लांट लाइक स्पीशीज होंगे वो इसी एरिया में पाए जाएंगे तो मेजर जो थीक हम कहते हैं ना है. बिल्कुल मेजर जो हम ये कहते हैं कि जो ओशन है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करती हैं तो मेजर इसी एरिया में वो एब्जॉर्ब होती है ठीक है और दिस एरिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट दैट्स द इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज फिशरीज प्रोडक्शन इज क्वाइट गुड इन दिस जोन एंड रिच इन प्लेसर डिपोजिट प्लेसर डिपोजिट क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स नदियां लेके आती हैं उसमें जो मेटल्स के पार्टिकल होते हैं इसी को रहता है प्लेसर डिपोजिट पेट्रोलियम

ये कॉन्टिनेंट का सीवर्ड एज है उसकी तरफ होता है अप टू डेप्थ ऑफ अराउंड 3500 मीटर 3500 ये मतलब ये जो है ना ऑन एन एवरेज अराउंड जो डेफ्थ होती है मतलब जैसे हम कहते हैं कि मेरियाना ट्रेंच जो है वो मोर uh, देन 10 किलोमीटर के डेफ्थ पे है बट पूरा ओशन जो है वो 10 किलोमीटर के डेफ्थ पे नहीं है एवरेज जो डेफ्थ है वो कम होती है तो ये अराउंड जो है थर्टी फाइव uh, नहीं थर्टी हंड्रेड मीटर तक की डेफ्त मतलब किलोमीटर के uh, तक होता है 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 ठीक तो ये 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 फिर कॉन्टिनेंटल राइज वाला जो पार्ट वन पे सेडिमेंट आके उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज जो अच्छा काफी खिचड़ी मच गई इसी में जो ये वाला पार्ट है अबाइसल प्लेन दूसरे कलर से लेके ये जो पार्ट है ये hmm. जो अबाइसल प्लेन कहलाता है एक्सटेंसिव लो रिलीफ सरफेस सिचुएटेड द डेप्थ ऑफ अराउंड 3800 टू 6000 मीटर उसे कहते हैं अबाइसल प्लेन तो इसको जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया था हालांकि जियोमार्फोलॉजी पूरा नहीं किया है लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक जो है एक है उसको उसका प्ले लिस्ट है सिटी कॉन्सेप्ट करके है उसका लिंक भी डाल देंगे उसको देख लेना तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से ये 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 पूरा ये बनता है साथ में जो ये मिड ओशनिक रिजेज है, है तो ये इंपॉर्टेंट है जानना तो अदर कुछ और इसके अलावा जो ये बड़े बड़े फीचर है उसके अलावा कुछ माइक्रो माइक्रो जो फीचर होते हैं वो क्या है एक है मिड ओशनिक रिजेज मिड मिड ओशनिक रिजेज हमने देखा था कैसे बनते हैं कि जब दो प्लेट की बाउंड्री जहाँ पे दूर जाती है एक दूसरे से वहां पे लावा बाहर आता है वहां पे मिड ओशन रिजेज बनती है अटलांटिक तो दो है एक तो है, Rise, में। है? एक है चैलेंजर तो समझ में आता मैं मैप एक, इंक्लूड करता हूँ इसमें एक मिनट रुकेगा हाँ तो ये मैप आ गया हमारे पास जैसे ये डॉल्फिन राइस जो है नदन पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिजेज तो ये ये देखते न, जो है अटलांटिक ना ये तो नदन पार्ट है ये ये थोड़ा, थोड़ा ज़ूम कर थो लो हाँ, हाँ, बस, बस, हाँ, ये ये चैलेंजर राइज. राइज, इस, इस राइज फिर हुँ. एक पैसिफिक ओशन में आता है पैसिफिक ओशन वाले जो पार्ट है और ये वाला पार्ट दिस कैलिफोर्निया से लेकर न्यूजीलैंड तक ये जो पार्ट है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया से लेकर ये जो है ना ये हाँ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है 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 फिर Indian Ocean में जो है वो आ, एक है कार्सबर्ग ब्रिज बाँच 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 हाँ इसी एरिया में कोई होगा ये दिस, बर्ग ब्रिज। और लक्का देवी सकोट्रा चागोस ये यह सब यही इंडियन ओशन में पाए जाते हैं इस, इस वाले एरिया में दिस वाला ये जो एरिया है ना ये जूम करने पे जो इधर चला जा रहा है अच्छा ये जो एरिया है ये वाला ठीक है

कि अगर ऐसे है ठीक है और ये पानी के अंदर है जैसे ये पानी का सरफेस ये हो गया तो ये पानी के अंदर है तो इसे बोलेंगे सी माउंट ठीक है ऐसे ही कुछ फ्लैट टाइप का बन गया ऐसे बोलेंगे जी यू ए अगर ये बाहर निकल आता है ठीक है तो ये आइलैंड बन जाता है ये चीज ठीक है बिल्कुल तो ये जो है वॉल्केनिक आइलैंड का एग्जाम्पल जो है जैसे हमारा अंडमान निकोबार है ठीक है एक वॉल्केनिक आइलैंड के एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारे बॉर्गैनिक आइडल पाए जाते हैं ठीक है तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अब इस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें अगर ओशनिक वाटर की कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो हैचर होगा जाहिर सी बात है ठीक है टेम्परेचर होगा फिर जो है डेंसिटी होगा फिर सेलिनिटी होगा अच्छा सेलिनिटी को ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका होता है परसेंटेज लगा के उसके नीचे ये लगा देते हैं डॉट तो ये सेलिनिटी का साइन होता है ठीक है ठीक है ये तीन फैक्टर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस को अफेक्ट करते हैं और ओशनी करंट के नेचर को अफेक्ट करेंगे और ओशनी करंट जो है वो इन द टर्न क्लाइमेट जो है कोस्टल एरियाज का उसको रेगुलेट करने में काम करेगा तो कैसे कैसे क्या करेगा ये देखते हैं पहले कि टेम्परेचर ऑफ ओशनिक फ्लोर क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे हम जानते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ओशनिक वाटर ये टेम्परेचर होता है तो इट वेरी वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली वर्टिकली भी वेरी करेगा वर्टिकली इन द सेंस कैसे कि जो बिल्कुल तो ये, तो ये ये सरफेस सरफेस पे अगर जो है टेम्परेचर ज्यादा है जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है ठीक है तो नीचे जाते जाते जो है टेम्परेचर गिरने लगेगा ठीक है वरी करेगा हॉर्जेंटली कैसे मतलब जैसे आ, ये इक्वेटर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से पोल्स तक हॉर्जेंटली जो है ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा बट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या जानना है कि जो सनलाइट है वो सिर्फ 200 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाता है ठीक है तो मतलब जो ठंडा या गर्म जो भी होगा वो ऊपर सतह पर ही, ही होगा जो नीचे का सतह होगी ना उसको ऊपर के एटमॉस्फेयर से कोई मतलब ही नहीं है तो नीचे का अगर हम देखेंगे ना तो अंडर आउंड बहुत नीचे तक जाएंगे तो अराउंड अराउंड मतलब फाइव टू तो सिक्स डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो ये जाना इंपॉर्टेंट नहीं है कितना होता है बट अराउंड अराउंड ये देखें कि डीप डाउन द ओशन मतलब टेम्परेचर चाहे इक्वेटर पे हो चाहे पोल्स पे हो सेम रहेगा

तो नीचे, जाने, नीचे जाने पर जो है वो इंक्रीज करेगा इंक्रीज ठीक है तो और पो बहुत में... आ, इक्वेटर बहुत ध्यान से है इक्वेटर पोस्ट में ये इंपॉर्टेंट है ठीक तो वही अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट सनलाइट वगैरह जो है उसी के ऊपर जो जो डिपेंड करेगा वो देख लिया हमने पोलर एरियाज में जो है अपर अपर ले में टेम्परेचर कम होता है तो नीचे जाने पर जो है इंक्रीज करेगा पोलर एरियाज में ये इंपॉर्टेंट है फिर जो और दूसरा फैक्टर जो है टेम्परेचर को अफेक्ट करता है वो है विंड से कैसे विंड क्या करता है टेम्परेचर को रिड्यूस करता है रिड्यूस कैसे करता है Wind, wind जो है को को इंक्रीज इंक्रीज कर देगा को करेगा तो जो लिटेंट हीट होगी पानी की टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक फ्लोर तो विंड जो है वो रिड्यूस तो, तो करेगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है फिर ओशनिक करंट ओशनिक करंट का क्या काम होता है उसको हम देखें डिटेल में क्वान जो इक्वेटर से गर्म पानी को ले जाकर पोल्स की तरफ ले जाता है पोल से ठंडे पानी को इधर ले आता है तो ये टेम्परेचर बैलेंस करने का काम करता है ओशन करंट फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है कैसे पानी को अफेक्ट करेगा अच्छा हमने एक चीज देखी थी कि कॉन्टिनेंट जो होता है ना वो जल्दी से पानी एब्जॉर्व कर मतलब टेम्परेचर गर्मी को एब्जॉर्व कर लेता है और जल्दी ही रिलीज कर देता है ठीक है बट पानी ऐसा नहीं करता है तो जहां पर टेम्परेचर ऑफ ओशनिक फ्लोर होगा टेम्परेचर ऑफ ओशनिक फ्लोर जो है उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा गर्म होने में टाइम लगेगा तो जो टेम्परेचर होगा ना ओशनिक फ्लोर का मतलब ओशनिक फ्लोर का टेम्परेचर होगा वो जितना कम वो रहेगा जैसे अगर नदर्न हेमस्फेयर में देखें हम नदर्न हेमस्फेयर में हमारे पास ज्यादा वो है कॉन्टिनेंट है ठीक है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा बना रहेगा कॉन्टिनेंट की वजह से क्योंकि कॉन्टिनेंट जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन यहाँ पे देखें साउद हेमोस्फेयर में तो कॉन्टिनेंट की मात्रा कम है बहुत रेयर है। रेयर है, है। ठीक कम तो कॉन्टिनेंट कम होने की वजह से जो बैरियर नहीं।, हवा, हवा नहीं होगा ठीक है फ्रिक्शन नहीं होगा, भे, नहीं भे, नहीं होगा नहीं। तो हवा की स्पीड भी अच्छी होगी तो वो भी टेम्परेचर रिड्यूस करेगा मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मोर कॉन्टिनेंट लेस टेम्परेचर मोर कॉन्टिनेंट मोर टेम्परेचर लेस कॉन्टिनेंट लेस टेम्परेचर

अलग अलग फैक्टर से जैसे फॉर एग्जाम्पल की रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से होगा प्रेसिपिटेशन से क्या होगा कि ज्यादा पानी गिरेगा वहां पे ज्यादा पानी गिरेगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक थाउजेंड था। 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 ग्राम में आ, पानी में अगर आपके पास दस ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है तो सेलिनिटी दस की होगी टेन की होगी सेलिनिटी बट मान लो बारिश हो गई वहाँ पे और थाउजेंड ग्राम और बारिश पानी आ गया वहाँ पे ठीक है तो टू थाउजेंड ग्राम पानी हो गया लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो टेन ग्राम ही है तो सेलिनिटी कितनी होगी फाइव ग्राम फाइव हो जाएगी जाएगीटी हाँ ठीक है तो प्रेसिपिटेशन से इफेक्ट करेगा इवेपोरेशन से सेम से उल्टा इफेक्ट करेगा पानी कम हो जाएगा और वो सोल्ट सौल, तो की रहे मात्रा रहे उतनी रहेगी तो सेलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इक्वेटर के पास जो है वो कम होगी सेलिनिटी क्यों इक्वेटर बारिश होती है कंटिन्यूस बारिश होती है इक्वेटर पे ठीक है

और 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 क्या है फिर ओशन करंट ओशन करंट भी क्या करते हैं, हैं? जो वार्म मोशन करंट होगी वो सैलिनिटी को इंक्रीज करेगी क्यों वार्म मोशन करंट होगी तो वो इवेपोरेशन को बढ़ा देगी ना हम्म इवेपोरेशन बढ़ा देगी तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी और कोल्ड जो होगी वो क्या करेगी इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देगी बल्कि उल्टा हो जाएगा इवेपोरेशन डिक्रीज होगा ठीक है तो वो क्या होगा फ्रीजिंग वाला कांसेप्ट समझ सकते हैं हां तो एक जो है

More salinity, more बात है, यहीं पे होता है। जो है में। increase, अच्छा, ये एक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट था कि जितना पानी में अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज अगर डिजोल्व होंगी तो वो सनलाइट का जो गिर रहा है ना पानी के सर्फेस पर उसको रोकने का काम करते हैं स्टॉप कर देते हैं उसको और उसको, उसको स्टॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा सनलाइट uh, एब्जॉर्बेशन कम हो जाएगी सनलाइट कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा तो सैनिटी जो है अगर बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है फिर ओशन करंट जो है उसको भी इफेक्ट करती है वो कैसे इफेक्ट करती है वो देखेंगे है, हम ओशन करंट और डिटेल में फिर बायोटिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि सॉल्ट का मतलब क्या है मिनरल तो है मिनरल तो है एक तरीके से तो मिनरल को खाने के लिए जो है फिश आती हैं तो ये सब बायोटिक रिसोर्सेज भी उसी के इर्द गिर्द हो जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है फिर एक और थर्ड पॉइंट है जो था डेंसिटी था डेंसिटी हम जानते हैं कि वो डेंसिटी क्या होती है सेलिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मतलब क्या होगा कि सेलिनिटी ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है ठीक सेलिनिटी कम, तो कम है तो डेंसिटी कम है लेकिन टेम्परेचर के साथ उल्टा होगा टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी हुँ. क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना तो

Thank you.